जय मंगल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ, जी हाँ सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ ये भर्ती पीछा नहीं छोड़ रही है और जल्द से जल्द कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। 2020 की वैकेंसी 789 पोस्ट, या 2020 में मैंने ही आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना बताया और इसके बाद आप लोग के फिजिकल समय पे हुए और फिजिकल तो काफी अच्छा था सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ का, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। फिजिकल पास करने वाले कैंडिडेट की संख्या भी काफी ज्यादा, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न एग्जाम होने में बहुत लंबा समय यहाँ पे लगा। कितने वीडियोस बने, डेट आई डेट गई, लेकिन यहाँ 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा और आने वाला समय भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी हाँ 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2023 में ही आप लोग के रिटर्न एग्जाम ले लिए गए कॉन्स्टेबल वालों के। 27-28 मार्च 2023 में आपके रिटर्न एग्जाम हुए, इसके अलावा बाकी अदर ट्रेडों की भी यहाँ पे रिटर्न एग्जाम ले लिए गए, यानी बाकी अदर पोस्टों पे हेड कॉन्स्टेबल एसआई एएसआई वालों का भी यहाँ पे 22-6-2023 को रिटर्न एग्जाम ले लिया गया। तो चलिए, रिटर्न एग्जाम आप लोग का कंप्लीट हो गया, फिजिकल कंप्लीट हो गया, रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो दो स्टेप आप लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड के बाद आप लोग का मेडिकल और मेडिकल के बाद फाइनल ज्वाइनिंग होनी है। तो अब बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं बचा है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जी अब बहुत लंबा प्रोसेस अब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का ट्रेड मेडिकल है। जी हाँ, ट्रेड और मेडिकल ही है। मेडिकल में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि कैंडिडेट बहुत ही कम है, तो सिर्फ ये मान के चलिए एक ट्रेड ही है आपका इंपॉर्टेंट। ट्रेड क्लियर करना बहुत 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 जरूरी है, लेकिन इससे पहले रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आना चाहिए। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे कैंडिडेट। और देखिए, मैंने आप लोग को जानकारी दी थी, जानकारी मैंने आप लोग को दी है, अगस्त का माह आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। डेट एक डेट फिक्स नहीं है, इस वजह से मैं आप लोग को नहीं बता सकता, लेकिन वीडियो आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आप लोग को देने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक नोटिस के माध्यम से आप लोग को बताया था, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई हुई है 8000 से ज्यादा आप लोगों की पोस्ट है, इसके फाइनल सिलेक्शन और ट्रेनिंग तक की डेट मैंने आप लोग को बता दी, एक नोटिस के माध्यम से जानकारी दी थी। जी हाँ, फरवरी 2024 का मंथ इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर 8400 प्लस आप लोग की जो वैकेंसी हो चुकी है, तो फरवरी 2024 उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आप लोग को एसएससी जीडी वालों की भी जानकारी दी है। जी हाँ, एसएससी जीडी का भी यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, जो कि 2023 में ही इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर इनकी तो जानकारी दे दी, पैरामेडिकल की भर्ती 2020 की है, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी, नोटिस में कोई जानकारी नहीं दी है, क्या हमारी ट्रेनिंग नहीं होगी, क्या एग्जाम को मींस आगे का प्रोसेस पोस्टपोन किया जाएगा, भर्ती कैंसिल की जाएगी, इस तरह के कई क्वेश्चंस यहां पे आ रहे थे। सर इस नोटिस में पैरा मेडिकल स्टाफ वालों का जिक्र क्यों नहीं है, तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह थे, ठीक है, जो आरटीसी वगैरह थी, तो वहां पे जो सेंड किया गया था ट्रेड्समैन और आपका जो ये जीडी से रिलेटेड है, ठीक है, और आपकी भी ट्रेनिंग का है, आपका पैरामेडिकल का है, तो उसकी एक अलग से नोटिस तैयार है, जिस सेंटर पे आपकी ट्रेनिंग होनी है वहीं पे आप लोग का जो है नोटिस सेंड किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग टेंशन ना लें कि उसी लिस्ट में आपका नाम क्यों नहीं था, ठीक है, वो ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ वालों के ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं है। जी हाँ, दो सेंटर ही आप लोग के रहेंगे, आरटीसी वगैरह, इसकी जानकारी मैं आप लोग को आने वाले समय में दूंगा। तो आपका नोटिस भी यहाँ पे रेडी है, मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ आप लोग का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी है। तो सर बताइए क्या है, सर जानकारी दीजिए, रिजल्ट कब आ रहा है, कब तक हमारी ज्वाइनिंग होगी, कब तक हमारी ट्रेनिंग होगी। तो देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। बहुत बढ़िया भर्ती है, मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ फिजिकल पास करने वाले और यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या करीब करीब 1,27,000 प्लस थी। जी हाँ, 1,27,671 कैंडिडेट थे जो कि रिटर्न एग्जाम में भाग लेने वाले थे, लेकिन इतने बच्चों ने यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में भाग नहीं लिया है। जी हाँ, कांस्टेबल की ट्रेडों की जानकारी मैं आप लोग को दूं, तो यहाँ पे 50,000 से भी कम कैंडिडेट हैं जो रिटर्न एग्जाम में भाग ले सके हैं। जी हाँ, मैक्सिमम जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और इसके अलावा बाकी अदर पोस्टों पे हेड कांस्टेबल एसआई एएसआई में भी काफी कम कैंडिडेट हैं।
तो रिटर्न एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ही कम है, लेकिन रिटर्न एग्जाम थोड़ा सा डिस्टर्ब किया डिपार्टमेंट ने यहाँ पे। आप लोग ट्रेड को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि सर ट्रेड में 50 के 50 नंबर आ जाएंगे, लेकिन उन बच्चों को बहुत बड़ा धक्का लगा जिन्होंने ट्रेड के ऊपर ही, जो ट्रेड पे ही डिपेंडेंट थे कि सर 50 से 50 लेके आने हैं, सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। बिल्कुल 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 सिलेक्शन के चांसेस उनके रहते, लेकिन डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम करते हुए ट्रेड के क्वेश्चन को हटा लिया। लेकिन फिर भी किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीके रीजनिंग हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, वही आप लोग का आया। पेपर का लेवल यहाँ पे इजी तो नहीं था, इजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का, लेकिन फिर भी ठीक ठाक था। और पेपर सभी के लिए एक जैसा है, ऐसा नहीं कि किसी एक स्टूडेंट के लिए पेपर बनाया गया, तो किसी को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माइनस मार्किंग की भी जानकारी मैंने आप लोग को दी थी, जी हाँ, माइनस मार्किंग यहाँ पे आप लोग की नहीं है। जैसा आपने परफॉर्मेंस दिया है उसी प्रकार से आप लोग का रिजल्ट आएगा। माइनस मार्किंग में इसकी कोई कोई रोल नहीं रहना चाहिए, और यही जानकारी अभी तक निकल के आ रही है। तो सर डेट बताइए, जी हाँ डेट बताइए सर, क्या है डेट, कब होगी हमारी ट्रेनिंग। देखिए पैरामेडिकल स्टाफ की तो जानकारी मैंने आप लोग को दी है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जानकारी है ये आप लोग की। अगस्त का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। डेट मैंने आप लोग को नहीं बताई है क्योंकि डेट फिक्स नहीं है, और मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जी हाँ अगस्त में भी आप लोग की सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक तक, जी हाँ सितंबर फर्स्ट वीक तक आप लोग का यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ सितंबर फर्स्ट वीक तक, इससे पहले आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे वो सितंबर फर्स्ट वीक में हो, अगस्त लास्ट में हो, अगस्त मध्य में हो, इस बीच जैसे भी समय मिलेगा, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका रिजल्ट यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके रिजल्ट के बाद आप लोग को ट्रेड और मेडिकल की डेट यहाँ पे दे दी जाएगी। जी हाँ आपको ट्रेड टेस्ट की डेट यहाँ पे दी जाएगी, जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको ट्रेड टेस्ट की डेट दी जाएगी, यानी कि रिजल्ट आते ही आप लोग का ट्रेड टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर चाहे आपको एक हफ्ते का समय मिले, 10 दिन का समय मिले, जी हाँ ट्रेड टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय पे डेट आप लोग को दी जानी है जब आपकी ट्रेड टेस्ट स्टार्ट होनी है। तो ट्रेड टेस्ट आप लोग की सितंबर में स्टार्ट होने की यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है, तो सितंबर स्टार्टिंग में या फिर अगस्त लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जी हाँ डेट फिक्स नहीं है। तो जो जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूं सिर्फ इतना जानना आप लोग के लिए काफी है। अगस्त का वेट कीजिए, आप लोग का बिल्कुल रिजल्ट दिखना चाहिए। अगस्त नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक में आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सितंबर में ही आप लोग का ट्रेड टेस्ट और मेडिकल यहाँ पे स्टार्ट होने की बात आ रही है। जी हाँ अक्टूबर, जी हाँ अक्टूबर में आप लोग को बता दो यहाँ पे आप लोग की फाइनल मेरिट वगैरह और आगे का प्रोसेस। इसके अलावा नवंबर में आप लोग के ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पे निकल के आ रही है। बिल्कुल, तो ये मान के चलिए कि 2023 में ही आप लोग की यहाँ पे भर्ती होनी है, यानी कि ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है, आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्या ये जानकारी कम है जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग को बता रहा हूँ, जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग को बता रहा हूँ। नोटिस नहीं दिखा सकता, लेकिन जानकारी जो दे रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने ट्रेडमैन और आप लोग को जीडी वालों को बताया था, उसी प्रकार से पैरामेडिकल का भी होने वाला है। यही इंफॉर्मेशन अभी तक है, डिपार्टमेंट ने लिखित रूप में जानकारी नहीं दी है, इस वजह से मैं नहीं बता सकता। जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है वो मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 2023 में आप लोग की ज्वाइनिंग होनी है, और ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी है। ट्रेनिंग आप लोग की नवंबर लास्ट में स्टार्ट होनी चाहिए, यही इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले पहले सारा प्रोसेस हो जाएगा। अगस्त सितंबर दोनों ही मंथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट ट्रेड टेस्ट मेडिकल आप लोग का सारा कुछ होने वाला है। अक्टूबर में आप लोग की ज्वाइनिंग, नवंबर में ट्रेनिंग, और फिर उसके बाद सैलरी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो अभी आप लोग हैप्पी हो जाइए, जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 में ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, किसी प्रकार की आप टेंशन ना लें। जी हाँ, आगे आने वाले समय में जैसे जैसे जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, डेट वगैरह या फिर ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहिए। जी हाँ, सिर्फ रिजल्ट आने से ही कुछ नहीं होगा, रिजल्ट के आगे आपका ट्रेड और मेडिकल है, इसे भी क्लियर करना ही पड़ेगा। जी हाँ, क्लियर करना पड़ेगा, नंबर नहीं जुड़ेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन पास तो करना ही पड़ेगा। और ट्रेड में आप लोग को पता होना चाहिए, ट्रेड की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेड इंपॉर्टेंट है, ट्रेड की तैयारी कीजिए, ट्रेड के ऊपर वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो, बट जानते पहले आप लोगों से एक होंगे, यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को लाते। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।